फरारी काट रही शाहिस्ता परवीन को यूपी पुलिस ने घोषित किया माफिया। पुलिस ने कहा अपने साथ शूटर लेकर घूम रही है शाहिस्ता परवीन। खुद को बचाने के लिए शाहिस्ता परवीन ने बनाया बुरखा गैंग। मिट्टी में मिल चुकी अतीक अहमद के लिए इससे पहले माफिया शब्द का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन अब अतीक अहमद की बीवी शाहिस्ता परवीन भी माफिया घोषित हो चुकी है। फरारी काट रही शाहिस्ता परवीन को यूपी पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है। शाहिस्ता परवीन अपने बेटे असद के जिस दोस्त आतिन जफर के घर पर रुकी थी, उसके घर में छापेमारी के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की थी। 15 अप्रैल को अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके जनाजे में शामिल होने के लिए 16 अप्रैल को शाइस्ता आतिन जफर के घर पर रुकी हुई थी। 2 मई को आतिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपनी तरफ से उसके खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसी FIR में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी बताया गया है। ये भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन व उनके शूटरों को आतिन ने पनाह दिया था। 5 लाख के इनामी अपराधी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। पुलिस का कहना है कि 50,000 का इनामी और उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने वाला शाहिस्ता अपने साथ शूटर लेकर भाग रही है। उसने अपने चारों ओर बुरका गैंग भी तैयार कर लिया है जो उसे पुलिस से बचा रही है। यूपी पुलिस ने दावा किया है कि वो शाहिस्ता परवीन के काफी करीब पहुंच गई थी। शाहिस्ता को लेकर पुलिस की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। 25 अप्रैल को UPSTF ने शाहिस्ता को पकड़ने के लिए प्रयागराज के पास हटुआ में रेड करने पहुंची थी। तभी वहां मस्जिद से एक ऐलान हुआ और बुर्का पहनी औरतों की भीड़ ने पुलिस टीम को घेर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता वहीं थी, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गई। प्रयागराज में उमेश पाल की दिनदहाड़े हत्या करने के बाद से शाहिस्ता परवीन के अलावा माफिया अतीक गैंग के गुड्डू मुस्लिम का सहयोगी आसिफ माली, अतीक का गनर एहतेशाम, अशरफ की बीवी जैनब और बहन आयशा नूरी भी फरार चल रही है। इनकी तलाश में UPSTF पंजाब, बिहार, MP, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली के अलावा प्रयागराज के आसपास के कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिट्टी में मिल चुके पाकिस्तानी कनेक्शन रखने वाले माफिया अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाहिस्ता समाज के लिए कितने खतरनाक और शातिर थे। एक ओर अतीक अहमद अपने घर पर हमले की साजिश रचता रहा और दूसरी ओर उसका परिवार लोगों का मर्डर और डरा धमका कर लूटपाट करता रहा। अब ऐसे में शूटर के साथ शाहिस्ता परवीन की फरारी और अपनी हिफाजत के लिए बुरका गैंग तैयार करना एक शातिर और पेशेवर अपराधी की निशानी है।